जिस परमाणु बम के दम पर पाकिस्तानी सेना उछलती रहती है, अब वही परमाणु बम पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। खबर के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों के बीच संभावित कनेक्शन को लेकर बेहद चिंतित है। इस मसले पर सुरक्षा एजेंसी के लोग पाकिस्तान पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इस बात की जानकारी जासूसी एजेंसी के शीर्ष अधिकारी ने सांसदों को दी है। सीनेट चयन खुफिया समिति के सदस्यों को चीना हॉस्पिटल ने बताया कि संभावित संपर्कों को लेकर गहन चिंता है और हम आतंकवादियों और पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों के बीच इस रिश्ते की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉस्पिटल का नाम CIA निदेशक पद के लिए चुना है। अगर सीनेट उनके नाम पर मोहर लगाती है तो हॉस्पिटल CIA की पहली मुखिया प्रमुख होगी। वो माइक पोम्पियो की जगह लेंगे। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से अमेरिका का 36 का आंकड़ा चल रहा है। ट्रंप ने आतंकियों के पोषक पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, यहां तक कि पाकिस्तानी राजदूत की वाशिंगटन में तैनाती को लेकर भी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है। ऐसे में अब अगर ट्रंप प्रशासन की नज़र पाकिस्तानी न्यूक्लियर बम पर टिकी है तो इसका मतलब है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं। कहीं जिस न्यूक्लियर बम के दम पर पाकिस्तान उछलता रहता है, वही बम उसकी बर्बादी का कारण न बन जाए।